आर्थिक दृष्टि से विश्व के देशों को विकसित एवं विकासशील इन दो बड़े वर्गों में बांटा जा सकता है। विकसित देशों की श्रेणी में वे देश आते हैं जहां पर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हो चुका है। विकसित देशों की श्रेणी में यूरोप एवं अमेरिका, महाद्वीप, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देश आते हैं। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। इन देशों में इनकी आवश्यकता के अनुपात में उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए ये देश अपनी आवश्यकताओं से अधिक होने वाले उत्पादन को एक दूसरे को निर्यात करके विदेशी पूंजी कमाकर अपने धन में दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहे हैं। इन देशों के नागरिकों की आमदनी अधिक होने से भौतिक सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, इसलिए भौतिक दृष्टि से यहाँ के निवासी संपन्न होते हैं। इन देशों के नागरिक शिक्षित हैं और अपने आर्थिक जीवन का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। इस कारण वे अपने परिवार का आकार छोटा रखते हैं। इसका परिणाम यह है कि इन देशों की जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। इस प्रकार विकसित देश शिक्षा का प्रसार करके उत्पादन की दर बढ़ाकर अपने परिवार का आकार छोटा रखकर अन्य साधनों से अपने देश का विकास कर अपने नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठा रहे हैं। विकसित देशों से विपरीत अवस्था विकासशील देशों की है। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकन देश इस वर्ग के देशों में आते हैं। ये देश एक लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहे हैं। इन देशों का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। यहाँ के निवासी गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि समस्याओं से ग्रसित हैं। उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। आवश्यक वस्तुओं का अभाव है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। इन देशों की जनसंख्या बहुत अधिक है। इस स्थिति से उबरने के लिए ये प्रयत्नशील हैं।